हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और इसके अलावा फंक्शंस को भी जाना, क्वालिटीज को भी जाना और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पर भी ध्यान दिया। आज का वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। जी हाँ, बिजनेसमैन क्या होता है, उसकी खूबियां क्या होती है, ये तो हमने जाना, लेकिन उसकी बिजनेस करने की जो कला है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और उसी को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर आपको ढेर सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और आपको जरूर यहां से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने का मौका मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा सुपर स्टार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुपर स्टार बैच जो है करंट ईयर का बैच और यहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस अलग अलग जो हैं सब्जेक्ट्स के वो मिलते रहेंगे, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अभी तक के इस चैप्टर के वीडियोस में हमने एंटरप्रेन्योर यानी एक बिजनेसमैन के बारे में सब कुछ जाना। अब हम बिजनेसमैन जो करता है काम यानी एंटरप्रेन्योरशिप को समझने वाले। ये एक बिजनेस एक्टिविटी है दोस्तों, बिजनेसमैन का किया हुआ कार्य ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है और उसी को हम यहां पर डिटेल में समझने वाले। क्या कहता है मीनिंग, तो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ purposeful activity of an individual or a group of associated individuals, यानी एक कंपनी का या एक इंडिविजुअल का purposeful activity। purpose क्या है, profit कमाना purpose है और उसी purpose के लिए की गई सारी गतिविधियां, सारी activities को हम entrepreneurship कहेंगे। दोस्तों याद रखिए, it is undertaken to initiate, maintain and aggrandize profit। aggrandize का मतलब होता है increase profit या make profit दोस्तों, by means of production, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसे गुड्स, ऐसे सर्विसेज जिनकी मार्केट में बिक्री होगी, जिनकी जरूरत लोगों को होगी, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करके, ऐसे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके, सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करके ही हम अपने प्रॉफिट्स बनाएंगे। इसी को, इसी एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत हम जानने वाले। उम्मीद करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये आप समझ गए होंगे। एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उसकी की गई एक्टिविटी, गतिविधि जिसके जरिए वो प्रॉफिट कमाने वाला है। तो वो सारी गतिविधियां, वो सारे काम जो एक एंटरप्रेन्योर करता है उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। दोस्तों इस आंसर के जरिए हम जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये सेटिंग अप का यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का, बनाने का, क्रिएट करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें एक बिजनेसमैन को क्या क्या करना पड़ता है। इट इज द प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी जाहिर सी बात है दोस्तों, एक बिजनेसमैन को अगर एक आइडिया आता है बिजनेस करने का किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले तो रिसोर्सेस इकट्ठा करेगा। वो रिसोर्सेस इकट्ठा करेगा कि यार क्या क्या मुझे जरूरत पड़ने वाली है, किस तरह की जरूरतें पड़ने वाली हैं, कौन सी चीजें लगने वाली हैं, और फिर ही वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा। तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और काम करना, जैसे हम MBA चाय वाले का ही एग्जाम्पल ले लें, तो MBA चाय वाला बहुत सारे छोटे बड़े रिसोर्सेस को जमा कर कर इतना बड़ा एम्पायर आज खड़ा कर पाया। तो ये सारी चीजें जो है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जानने मिलती हैं। दोस्तों चलिए आज नजर डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पे। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर है। यस, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक क्वेश्चन हमने जो किया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन की खासियत, और अब हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन जो काम करता है, एक्टिविटी करता है, उसकी खासियत, उसके फीचर्स हम इस आंसर में जानने वाले हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स, और इन 8 पॉइंट्स को समझने के लिए हमारा शॉर्टकट बड़ा ही आसान सा है। OCM is great। जी हाँ दोस्तों, हमारे शॉर्ट कोड्स आपको जरूर समझ आ रहे होंगे, लिख करके जरूर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपना प्यार बरकरार रखिएगा। आज का आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आंसर का नाम OCM is great। चलिए शुरू करते हैं। ओ से सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, यानी उसे पूरा एम्पायर खड़ा करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है। सी से क्रिएटिव एक्टिविटी, एम से मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। तो यार OCM तो बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना,
एक्टिविटी क्रिएटिवली करना और मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप का भरपूर इस्तेमाल करना, यही है एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत OCM। बात करें दोस्तों आगे, OCM इज के अंदर आई से इनोवेशन आता है, एस से स्किलफुल मैनेजमेंट आता है, वही घिसे पिटे पॉइंट है एकदम सिंपल से। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेट के अंदर तो GRE, यहां पर गैप फिलिंग फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, रिस्क तो हमेशा उठाना ही पड़ता है क्योंकि रिस्क है, रिस्क है, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, रिस्क तो आपको बिजनेस में उठाना ही पड़ता है। इसके अलावा इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी हमेशा याद रखिए क्योंकि ये पर्पसफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां प्रॉफिट कमाना सबका मकसद है। चलिए आठों पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके हर पॉइंट को पढ़ लेते हैं। OCM इज ग्रेट, तो दोस्तों OCM इज ग्रेट में सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है ओ से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। बड़ा ही आसान और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, हमेशा याद रखिए एक एंटरप्रेन्योर को सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो है बिल्डअप करने का, एम्पायर खड़ा करने के लिए जो भी सारी रिसोर्सेस की आवश्यकता है उन रिसोर्सेस को जनरेट करने का, इकट्ठा करने का काम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला कदम हम इसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। हियर वो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें, पैसे जमा करना, फंड्स लाना, लेबर को लेके आना जो इफेक्टिव हो, स्किलफुल हो, जो उसको हेल्प कर सके और बेस्ट एफर्ट्स देकर के काम को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा दोस्तों जो भी जमीन की जरूरत है, लैंड वगैरह की जरूरत है, शॉप की जरूरत है, या एक बड़ी फैक्ट्री उसे खोलनी है तो उसके लिए जो लैंड की जरूरत है, ये सारी जरूरतें उसे पूरी करनी है शुरुआत में रिसोर्सेज इकट्ठा करके। दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इसके लिए प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी दोस्तों उसे ध्यान में रखनी पड़ेगी। हैज टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ, यानी एक छत के नीचे अगर ये सारी चीजें प्रोडक्शन करने के लिए इकट्ठा करनी है तो एंटरप्रेन्योर को अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फंड्स जमा करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं दोस्तों OCM के अंदर सी से आगे, तो सी से है क्रिएटिव एक्टिविटी। जी हां, इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। आपको कुछ इनोवेटिव करना है लेकिन आप क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। दोनों टर्म्स जो हैं साउंड सिमिलर करते हैं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, लेकिन दोनों में एक थिन लाइन है डिफरेंस की। और दोस्तों इनोवेशन जो है वो एकदम से आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, क्रिएटिवली आप वही चीज जो दुनिया कर रही है उसको अपने वे में कर रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों चीजों की बहुत जरूरत होती है, ये हैंड इन हैंड चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। फिर एक बार अगर मैं MBA चाय वाले का ही एग्जाम्पल लूं तो चाय तो भाई पहले से इंडिया में बेची जा रही है, लेकिन जो तरीका, जो क्रिएटिव तरीके से उसने चाय को बेचा है वो मायने रखता है, और वही यहां पर मैं समझाना चाहता हूं। दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत एसेंशियल पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो ये है एम से मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर का, अच्छा मैनेजर होना, अच्छा लीडर होना, कैप्टन ऑफ द शिप बन के उसे आगे से लीड करना है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। याद रखिए आप करेंगे तो दूसरे आपको फॉलो करेंगे, यही मैनेजरियल स्किल है। आपको कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को एकदम साथ में लेकर के चलना है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अ पर्सन हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ये मकसद नहीं होना चाहिए, हर बार मैं कुछ नया करूं और उसे बेहतर तरीके से हासिल करूं। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी, मगर आपको एक अच्छा लीडर और साथ ही साथ आपको अच्छे मैनेजरियल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज, टू लीड एंड मैनेज, टू लीड एंड मैनेज, टू लीड एंड मैनेज। तो यहां पर एक और आसान सा पॉइंट हमने कवर किया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, सी से क्रिएटिव एक्टिविटी और एम से मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। OCM कर लिया है हमने, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, अगला जो पॉइंट है वो है आई से इनोवेशन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी वो कहीं ना कहीं इनोवेशन के हैंड इन हैंड ही चलती है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप इनोवेटिव भी रहिए, आप चीजों को नए अंदाज में करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत मायने रखता है। याद रखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन इन इटसेल्फ।
एंटरप्रेन्योरशिप में ही इनोवेशन का आगाज है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है इनोवेशन उसमें, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is innovation. A new product arrives in the market, it uses new production technology, discovers new source of supply of raw materials and opens a new market. Simple hai bhai, Nokia ke phone chalte the, kisi ne Android ko laya, innovation market mein aaya aur pura market kha gaya. Kahin na kahin doston, ye innovation bahut zaruri hota hai, jiske zariye aap pura mindset logon ka badal dete hain. View of changing taste of consumers from time to time. Entrepreneurship focuses on the research and development to produce goods to satisfy the customers. आज देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आती ही जा रही है, नए नए तरीके के स्मार्टफोन्स हम यूज करते जा रहे हैं, अलग अलग नई नई ब्रांडिंग, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए लोग नया नया चीज लॉन्च कर रहे हैं. दोस्तों याद रखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इनोवेशन है, यही आपको मार्केट में लंबे समय तक टिका के रख सकता है. आप वही किसी भी चीज करते रहेंगे तो कॉम्पिटिटर्स आगे चले जाएंगे ना. इट हैज टू बी इनोवेटिव, वरना एंटरप्रेन्योरशिप में कोई दम नहीं बचेगा. बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है स्किलफुल मैनेजमेंट. सिमिलर सा पॉइंट है, मैनेजमेंट स्किलफुल होना जरूरी है. आप कैसे काम निकलवा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक कला है दोस्तों. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल. तो अगर आपको लोगों से काम करवाना स्किलफुली आता है, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन. जर मैनेजमेंट चुकीचं असेल तर तुम्ही कधीही सफल होऊ शकत नाही. जी हाँ, आपको यार एकदम प्रोफेशनल होना पड़ेगा मैनेजमेंट में. स्किल्ड मैनेजर्स हायर कीजिए. एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी विथ स्किल्ड मैनेजर्स. यहाँ इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पे आपको एकदम स्किल्ड मैनेजर बनना पड़ेगा, अच्छे से और प्रोफेशनली काम काज करना पड़ेगा. तो यहां पर हमने दो और पॉइंट कवर किए, इनोवेशन एंड स्किलफुल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं. OCM इज ग्रेट. चलिए आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों. आसान सा आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जरूर 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 लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, मजे से एकदम आसानी से शॉर्ट कोड के साथ दिमाग में फिट कर लीजिएगा. चलिए आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. यहां पर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है, ये है गैप फिलिंग फंक्शन. कभी भी एक एंटरप्रेन्योर को, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को किसी भी डिपेंडेंट रहकर काम नहीं करना चाहिए. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है गैप फिलिंग फंक्शन. अगर कोई नहीं है, आपका सबॉर्डिनेट नहीं आया, आपका एम्प्लॉय नहीं आया ना, तो आपको वो गैप फिल करने आना चाहिए. आप डिपेंडेंट हैं और आपसे काम ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर यार काम नहीं चलेगा. गैप फिलिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप का फिल करना. इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसीज, यानी कमी विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन. यानी जो भी कमियां हैं, कमियां तो हमेशा रहेंगी, उसे आप कैसे अपनी ओर से फिलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है. गैप फिलिंग फंक्शन यानी यार आज ये नहीं आया तो मैं उसका काम कर देता हूं फटाफट से, काम रुकना नहीं चाहिए मेरा. ये मकसद अगर रहेगा तो डेफिनेटली सफलता प्राप्त हो जाएगी. गैप फिलिंग फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. बात करें अगले पॉइंट की, तो ये आसान सा पॉइंट है भैया, रिस्क बेयरिंग. एवरी बिजनेस हैज रिस्क. एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क से भरपूर है. रिस्क है तो इसक है, हमने सुनाई है दोस्तों. याद रखिए, अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज रिस्क. यानी कोई सर्टेनिटी नहीं ना, कोई भरोसा नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या हो सकता है. एंड दैट इज व्हाई अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज रिस्क व्हिच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल. पता नहीं है कब क्या हो सकता है. कोरोना काल आएगा, किसी को पता था क्या? बिजनेसमैन को पता था क्या कोरोना काल आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा? नो. समवेयर और द अदर ये रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जिसमें थी, वो कोरोना के बाद भी टिके हुए थे और बाकी बेचारे बिखर गए थे. दोस्तों एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट To sell them at uncertain prices in future. पता नहीं है कि यार वो प्राइस जो उसने पे किया है वो भरपाई हो पाएगी या नहीं, जितने में उसका सामान बना है उससे ज्यादा में बिक पाएगा या नहीं, क्या मार्केट वैसा रहेगा या बदल जाएगा. ये अनसर्टिनिटी हमेशा एक बिजनेस में होती है और ये रिस्क तो एंटरप्रेन्योर को उठाना ही पड़ता है. एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी फैक्टर है ये रिस्क बेयरिंग. तो ये एक फंक्शन हमेशा होगा. याद रखें आखिरी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है ये, एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स As per their needs, जरूरत के हिसाब से. He feels the need of this to satisfy human wants and as well in exchange earn a better livelihood. Simple है, जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ लोगों को काम आएगा, लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा और उसके बदले में वो मुझे पैसे देंगे, इसी से मेरा लाइवलीहुड होगा यानी मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, मैं अपना घर चला पाऊंगा. It is the systematically, जी हाँ, systematically
planned activity as per the skills and knowledge of entrepreneur. Hence, entrepreneurship is an economic activity. कैसी activity है? Economic activity. उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे points आप समझ गए होंगे. हमने पढ़ लिया एक और मजेदार answer. Characteristics of entrepreneur. Answer का नाम OCM is great. Answer का नाम OCM is great. आंसर का नाम OCM is great. जी हाँ दोस्तों, कुल मिला करके 8 पॉइंट का आंसर हमने कर लिया. O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, C से क्रिएटिव एक्टिविटी, M से मैनेजरियल स्किल. उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे. आप लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए. बात करें इज ग्रेट की तो I से इनोवेशन, S फॉर स्किलफुल मैनेजमेंट, G से गैप फिलिंग फंक्शन, R से रिस्क बेयरिंग और E से इकोनॉमिक एक्टिविटी. जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा. रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर. जब आप बार बार लिखेंगे तभी आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. जरूर इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, अपना प्यार बरकरार रखिए. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.